I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but from last I can't stop now. We all fall. Hello and welcome to Motopedia. आज का हमारा ये सफर हमें ले जा रहा है सच पास की ओर, जो कि डलहौजी से ऊपर एक बहुत ही डिफिकल्ट पास है जो हम करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में। अभी हम सुबह 4 बजे लगभग अपने घर से निकले थे, सामान वामान सब हमारा पैक हो गया है। ये मेरे साथ जो चल रहे हैं ये मेरे दोस्त हैं शैलेश पांडे, और जब भी हम कभी राइड पे निकलते हैं ये हमेशा मेरे साथ ही होते हैं। तो सुबह 4 बजे दिल्ली से निकलने के बाद जितना हो सके हम ठंड में उतना ही जल्दी खींच खींच के हम लोग पहुंच गए पंजाब जलंधर शहर के पास। जलंधर से पठानकोट के लिए रास्ता कटता है, बहुत ही सुंदर रास्ता है, दोनों तरफ हरियाली से भरे हुए खेती आपको मिलेंगे, गर्मी बहुत है। और हम यहाँ से, हमारा प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से पहुँचेंगे डलहौजी, डलहौजी में रात रहने के बाद अगले दिन हम पहुँचेंगे सच पास। तो दोस्तों हम इस टाइम पठानकोट से लगभग 2 घंटे की दूरी पे हैं और उससे आगे डलहौजी पहुँचने में और 2 घंटे लग जाएंगे। बाइक इज परफॉर्मिंग फिनोमिनली वेल, एंड वी आर आल्सो परफॉर्मिंग फिनोमिनली, एंड आवर बॉडीज आर टिकिंग राइट, आवर पैसिफायर्स आर वर्किंग फाइन। कैमरा सेट कैसे करूं चलती वीडियो में, देखो नामो निशान नहीं है इस बाइक पे कहीं से भी फटीक का, और नाइस बाइक पे। जो हमारी सफर की साथी हैं इस सफर में, ये है बेनेली की TRK 502X मॉडल, एक BS4 एक BS6 है। अगले दिन डलहौजी का नजारा कुछ इस तरह था, जब हम सुबह उठे तो सन किस पहाड़ों से देखकर बात ही बनती है। बट डलहौजी में कुछ ज़्यादा खास हमें मिला नहीं, तो यहाँ से आगे का प्लान हमने फिर करा कि सच पास के लिए निकलते हैं। वो चेंज ऑफ प्लान्स ये हैं कि हमारे साथ हो गया केला हमारे साथ ही हो गया कि सच पास पे एवलांच की वजह से सच पास तो हो गया है बंद, और हम लोग अभी बैठे हैं डलहौजी में। अब वैसे तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं, आना बर्बाद सही हमें लग रहा है, पर अब प्लान हमने ये किया है कि अब हम अपने पाथ को रिट्रेड करेंगे टुवर्ड्स नूरपुर, कांगड़ा से जो भी रूट है टुवर्ड्स मनाली, और फिर हम स्पिति वैली ऑनवर्ड्स हम लोग आगे मूव करेंगे। यस, तो शिट हैपेंस, दिस इज लाइफ। कांगड़ा पहुंचते ही इन बर्फ के पहाड़ों ने दिल जीत लिया, देखकर मज़ा ही आ गया था। और ये बर्फ के पहाड़ पे पूरे रास्ते हमारे साथ चलते रहे जब तक कि हम कुल्लू के हाईवे पे, मेन हाईवे पे नहीं पहुँचे, और इनके साथ चलने में जो मज़ा आया वो मैं आपको बयां ही नहीं कर सकता। मेरा तो मन था यहीं से ये घर लेकर आ जाए घर अब, और ये जो प्यारे प्यारे घर थे बीच में इतने सुंदर लग रहे थे, जो कैमरा इनको जस्टिस नहीं कर पाया। मनाली के लिए चलते चलते गोविंद नगर से हमें किसी ने सजेस्ट करा कि आपको गोगरधाम वाला रास्ता ले लेना चाहिए, कुल्लू के लिए शॉर्टकट है। रास्ते पे सड़क तो थी नहीं, बट चारों तरफ जो व्यूज थे वो ब्रेथ टेकिंग थे, मज़ा ही आ गया था चारों तरफ। तो आंखें जो आंखों से देखा वो कैमरे में बयान कर रही है। उसके बाद हम पहुंचे मनाली, मनाली में रात को रुकने के बाद हमने मनाली से काजा वाला रास्ता लिया जो कुंजुम पास होते हुए काजा जाता है। इस रास्ते पे भी सड़क का नामो निशान नहीं है, और अगर आप एक एडवेंचर लवर हैं तो यही रोड आपको पसंद आएगी। इस रास्ते को पार करने में और काजा पहुंचने में हमें लगभग 12 से 13 घंटे का टाइम लगा मोटरसाइकिल पर। कुछ नहीं
यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे हो गए कि हर मोड़ के बाद एक नया ही नज़ारा था, और अगर आप नज़र हटाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया। बहुत ही मज़ेदार रास्ता है ये, आप मानो या मानो। और मेरा तो मन है कि मैं दोबारा इस रास्ते पे जाऊं, लेकिन अभी आज जब ये वीडियो मैं डाल रहा हूं तो मनाली के लिए मैं प्रे करता हूं, क्योंकि वहाँ बहुत तबाही हुई है। पावर की कमी है, नहीं उठती एकदम से, उठानी पड़ जाए ना रोक के, उठ नहीं रही एकदम से। रिकॉर्ड हो रही होगी ना, करी ढंग रिकॉर्ड हो रही है वीडियो तो। हम मैंने पूरा ही ऊपर कर रखा है, हाँ। तो अंदर काजा की तो बनी हुई है ना, काजा वाला हाईवे बना दिया मेन इन्होंने। तभी तो मेल भाई हमसे कह रहे थे लोसार से जाना, वो पूरा ऐसा ही है क्योंकि मोनेस्ट्री वगैरह रोड जाती है ना, वो कह रहे हैं वो सीनिक भी ज़्यादा है और वो रोड्स भी, मतलब फन वाला फैक्टर तो उनका यही है ना। फिर लगेज कम रखते हैं सर, वेट तो देखो पावर और वेट तो सेम सही है, बट टैंक स्टेबल भी ज़्यादा है। देख आपको फील हो रहा है आप रसल कर रहे हो बाइक से इसका। यहाँ मैं अपने दोस्त शैलेश को ज्ञान के चक्षु खेलता हुआ, हालांकि अपने हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, बट ऐसा होता है ना जब आदमी एक सिनेरियो में होता है तो वहाँ एक्सपर्टीज दिखाने की कोशिश करता है, वही मैं कर रहा था इनके साथ। अब मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना ज्ञान खेल रहा था, उसके लिए आई एम सॉरी। आज लग रहा है ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में घूम रहे हैं। देख लो अभी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक तो रोड है नहीं, तो आते ही हैं स्पिति ये लोग। गाड़ी देखो एक टंकी मैं भी लेके आऊँगा यार, तो मैं तस्वीर आओ आओ। एडवेंचर बाइक्स का कुछ कमाल ही है, जब आप राइड कर रहे होते हो तो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि आपका पार्टनर एडम रीमैन है और आप क्रिस बर्च हो, और आजकल तो एक नया नाम भी है पॉल टेरेस, हालांकि गॉडली गॉड लेवल स्किल्स है उनकी, बट इस टाइम हमारे पांडे जी को भी पॉल टेरेस वाली फील आ रही है। ये इतनी शांत और इतनी सुकून भरी लोकेशन थी कि यहाँ लगभग 45 मिनट में सिर्फ इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को जो बर्फ़ से ढके हुए थे देखता रहा, और 45 मिनट में सिर्फ एक ये गाड़ी मुझे मिली जो आती हुई थी। नीचे ये पानी बह रहा था, पानी तक जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, बस ठंड बहुत थी यहाँ पर और थोड़ी बहुत सांस लेने में भी कम। या तो मैं जन्नत में आ गया
या जन्नत धरती पे आ गई। नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, इट इज सरियल, सो सरियल। यहाँ हम थोड़ा बाइक की और अपनी कैपेबिलिटीज चेक करते हुए, ऐसा होता है ना जब आप इस तरह के ट्रिप पे हो और कुछ ऐसा मैदान आपको दिखे तो आपसे रहा नहीं जाता, और एक चुल जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है, बस उसको ही शांत करने के लिए मैं यहाँ उतर गया। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये कुंजुम पास है, ये भी अपने आप ये कह सकते हो दुनिया की छत पे जाने के लिए सबसे ऊंचा पास है। और क्या शांत भरा माहौल था, मतलब एक सिर्फ बहते पानी के अलावा एक 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 तिनके की भी आवाज़ इस जगह पर नहीं। वो जो लेफ्ट में आप देख रहे हो वो कुंजुम पास का ऑफिस है और प्लस देवी का मंदिर है। ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप कुंजुम पास पे जाएं तो इस मंदिर की परिक्रमा करके ज़रूर जाएं, और जब आप जाएं आप भी ज़रूर करना। रुकना है या चलना है आगे? लेट्स गो। और यहाँ से हम नीचे उतर गए लोसर की तरफ। लोसर जो गेटवे है स्पीति वैली का, अगर आप मनाली की तरफ से आ रहे हो तो यहाँ, और कुंजुम से लगभग 40 मिनट की दूरी पे लोसर पड़ता है जो पहला गेटवे और पहला ही चेक पोस्ट है स्पीति वैली के लिए।
इफ यू हैपन टू स्टम्बल अपॉन लोसार वाइल विजिटिंग स्पिति वैली, दिस इज द होम स्टे. पीपल आर वेरी नाइस. द कॉन्टैक्ट नंबर्स आर रिटन ऑन द बोर्ड. यू कैन कॉल देम एंड बुक इन एडवांस इफ यू वॉन्ट टू. Rooms are very clean, neat and tidy. Washrooms are awesome. Food is great. And they are very affordable. Dubara bolo. Main bolungi. Bolo na dubara bolo. Main bolungi. Bolo buri nazar wale. Buri nazar wale tere bukala. Oh, love man. और ये लोसर से हम निकल गए चीचम ब्रिज की ओर और फिर वहाँ से कोमी क्लांगजा और हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस करने के बाद हमें काजा था. और इसी रास्ते पे कुछ ऐसा हुआ जिसके होने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारा यहाँ आना सफल हो गया. जून के महीने में स्नोफॉल एक्सपीरियंस. वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी. मैं वादियों में इतना खो गया कि यहाँ मेरी बाइक सड़क से नीचे उतर गई और मेरे को पता ही नहीं चला. खैर कुछ नुकसान नहीं हुआ, ना मैं गिरा. चलो चलो अभी तो आगे करेंगे. चलो कोई नहीं, आओ. तो कितना बढ़िया रिकॉर्ड होता है. रट सही है, ये वो है ग्रेवल बजरी. साइड में चलाओ ना, लेफ्ट साइड चलाओ, लेफ्ट साइड ला जा ग्रेवल ये बजरी के लिए ना, लेफ्ट साइड. One could see in the camera, we have been blessed with snowfall in the month of June. Wow! So, Mr. Nitin Sharma, how are you feeling now? Yeah. And this is your bike, all locked and loaded. This one is mine. Yeah. Oh my God. खड़े जाओ. बंद कर दूँ. This is undoubtedly beautiful as well. सोच भी नहीं सकते यार, सोच से परे है यार, क्या बात कर रहे हो. जिंदगी के 35 साल में हम आए हैं. सॉरी बच्चों, नेक्स्ट ईयर तुम्हारा भी पक्का है इधर का. ये जो राइट हैंड साइड में आप नीचे बहता हुआ देखेंगे ना, इस रास्ते के साथ चलता हुआ, ये स्पिति रिवर है. और अगर आप इससे लेफ्ट से जाएंगे तो ये आपको चीचम ब्रिज के लिए जाते हुए जाएगा, जिसमें किब्बर विलेज वगैरह आएगा. और अगर आप राइट से जाएंगे तो सीधा काजा पहुंच जाएंगे.
स्टार्ट वो चीचम पे करेंगे। ये जो चीचम ब्रिज है इसकी यही एक खासियत है कि इसको कहते हैं ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। एशिया का तो है ये तो कंफर्म है, अब दुनिया का है नहीं है इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, पर गूगल आप करेंगे तो यही आता है। ये विलेज है कोमिक, यहाँ पे सबसे ऊंची मोनेस्ट्री है, प्लस ये हाईएस्ट विलेज है जहाँ आप सड़क से चलाकर आ सकते हैं। बाकी मोटरेबल रोड्स तो बहुत हैं यहाँ पे, बट हाईएस्ट विलेज यही है जो इतनी ऊंचाई पे है जहाँ पे रोड से कनेक्टेड है, नहीं तो और भी विलेजेस हैं जहाँ आपको पैदल चल के जाना पड़ता है। और इसके बाद हम लोग गए फिर वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे, वो ये था, इस विलेज का नाम मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा है। यहाँ से मैंने खुद को पोस्ट कार्ड भी भेजा था बट अब लगभग एक महीना हो गया अभी तक वो मुझे मिला नहीं। और ये है आपकी फेमस की मोनेस्ट्री, बहुत बहुत सुंदर थी अंदर से, अंदर भी कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं अंदर से इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और यहाँ से फिर हम निकल गए गाजा की ओर। ये है लांगजा के बुद्धा स्टैचू, जो हाईएस्ट बुद्धा स्टैचू इन द वर्ल्ड है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रू एडवेंचर। यू कैन सी इन द मिडिल ऑफ नोवेयर वन ऑफ आवर बाइक गिव अप एंड वी आर स्टक हियर फ्रॉम लास्ट 3 hours, बट फाइनली आर जीनियस मैकेनिक मिस्टर शर्मा जी वॉज एबल टू फिक्स इट। बट दैट व्हाट यू कॉल ट्रू एडवेंचर। यू ऑन द मूव, हालात हालात देखो इस आदमी के। और इसी तरह चलते चलते हम अगले 4 दिनों में पहुंच गए नारकंडा, और स्पिति का सफ़र हमारा यहीं समाप्त हुआ। यहाँ से हम किन्नौर वैली में एंटर कर गए और फिर शिमला जाकर रात को रुककर अपने घर के लिए वापस आ गए। इस सफ़र में हमें इतना मज़ा आया कि शायद इस तरह का सफ़र हमने आज से पहले कभी किया ही नहीं था, और अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो इस तरह का सफ़र हम आगे भी करेंगे। थैंक यू।